Our topic is design of square column. Example is given, design a short axially loaded square column of 500 by 500 mm for a service load of 2000 kN. Use M20 concrete and Fe415 steel. तो first of all हम क्या करेंगे कि जो भी question है उसका given data लिखेंगे. So column है 500 by 500 mm, तो उसके ऊपर से आएगा gross area. Gross area मतलब area of concrete plus area of steel. So gross area मिलेगा 500 mm by 500 multiply करेंगे तो 250,000 mm square gross area आएगा. Then given है कि M20 concrete grade, so मिलेगा FC के 20 newton per mm square and for Fe415 steel yield strength हो जाएगी स्टील की 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर. फिर हमें दिया है कि सर्विस लोड ऑफ 2000 किलो न्यूटन कॉलम के ऊपर आ रहा है. तो कॉलम के ऊपर जब भी सर्विस लोड आता है हमें डिज़ाइन करना है फैक्टर लोड के लिए. हम कभी भी सर्विस लोड के लिए डिज़ाइन नहीं करते. तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 1.5 कोड के हिसाब से. सो फैक्टर लोड PU मिलेगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2000. सो आंसर आ जाएगा आपका 3000 किलो न्यूटन. देन हमें पेज नंबर 71 के ऊपर कोड के अंदर IS 456-2000 में पेज नंबर 71 पे इक्वेशन दिया है लोड का. PU इक्वल्स टू 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC. तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसमें हमारा लोड गिवन है 0.4. सब वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है. सो 0.4 इंटू FC के 20. अब AC हमने कहाँ से मिला, तो AC एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हो जाएगा ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील. मतलब टोटल एरिया में से स्टील का एरिया निकाल देंगे तो एरिया ऑफ कॉन्क्रीट हमें मिल सकता है. सो 250,000 था हमारा ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील. सो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है 250,000 माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस 0.67 इंटू FY415 इंटू ASC एज इट इज़. देन आगे आप कैलकुलेशन करोगे तो ये जो वैल्यू है इसकी मल्टीप्लाई होगा अंदर एक 250,000 AG के साथ 250,000 के साथ. तो आंसर आएगा 2×10^6 और सेम वे इसकी मल्टीप्लीकेशन वापस होगा ASC के साथ. तो आएगा आंसर -8 ASC प्लस 0.67 इंटू 415 दैट ऑफ 278.05 ASC. अब ये जो वैल्यू है ये कांस्टेंट वैल्यू है तो ये यहाँ पे प्लस है तो ये साइड जाएगी इक्वल टू के ऑपोजिट साइड, तो वो हो जाएगी माइनस और आंसर आएगा 1×10^6. और ये सिंप्लीफाई करोगे तो -8 ASC प्लस 278.05 ASC आंसर आएगा 270.05 ASC. अब यहाँ पे ASC को हमें ढूंढना है तो 270.05 सामने इक्वल टू के ये साइड आएगा तो डिनोमिनेटर में जाएगा और आंसर आएगा ASC इक्वल्स टू 3703 mm स्क्वायर. तो हमें ये वैल्यू मिली है लॉन्जिट्यूडनल स्टील का एरिया 3703 mm स्क्वायर. अब इसको लॉन्जिट्यूडनल स्टील को हमें प्रोवाइड करना है तो हम यूज़ करेंगे SP16 एंड बाय यूजिंग ऑफ SP16 हम प्रोवाइड करेंगे 8 नंबर्स ऑफ 25 डाया बार्स जो है उसका एरिया है हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है उससे ज़्यादा. हमें हमेशा थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करना है फॉर द सेफ्टी. तो ASC प्रोवाइडेड हो गया 3927 mm स्क्वायर. ये हो गया हमारी कॉलम की साइज़ के हिसाब से एरिया ऑफ स्टील की डिज़ाइन. सो हमारे लॉन्जिट्यूडनल स्टील मिल गया है. अब हम लॉन्जिट्यूडनल स्टील के बाद हम डिज़ाइन करेंगे लेटरल टाइज. सो लेटरल टाइज के लिए क्राइटेरिया है IS 456 के अंदर पेज नंबर 49 के ऊपर. फर्स्ट क्राइटेरिया है दैट इज़ 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट लॉन्जिट्यूडनल बार. तो दैट हो जाएगा 25/4 तो आंसर आएगा 6.25 mm. एंड सेकेंड क्राइटेरिया है इन नो केस इट इज़ लेस देन 6 mm. तो डायामीटर क्या हो जाएगा, जो लार्जर होगा उससे बड़ा लेना है. तो लार्जर ऑफ द विच एवर इज़ लार्जर सो आंसर होगा 6.25 का तो हमें मार्केट में मिलता नहीं है डायामीटर ऑफ स्टील. सो हम प्रोवाइड 8 mm डाया टाइस. देन ये जो पीच क्या होती है कि दो लेटरल टाइज है उसके बीच का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस. सो पीच ऑफ द लेटरल टाइज के लिए क्राइटेरिया है फर्स्ट लीस्ट लेटरल डायमेंशन वो हो गया 500 mm. मतलब हमारा कॉलम की जो साइज़ है 500 mm बाय 500 mm, अगर यहाँ पे होगा 450 बाय 500 तो लीस्ट हो जाएगा 400
450. सो यहाँ पे हमें दिया है 500 by 500 का स्क्वायर कॉलम है, तो लीस्ट लेटरल डायमेंशन हो जाएगा 500 mm. सेकेंड क्राइटेरिया है 16 टाइम्स द स्मॉलर डाया. स्मॉलर डाया यहाँ पे हमारा एक ही डायामीटर आया है, वो है 25 डाया हमने प्रोवाइड किया है, तो 16 टाइम्स 25 हो जाएगा 400 mm. एंड थर्ड क्राइटेरिया है 300 mm. अब तीनों में से जो भी कम है वो स्मॉलर वैल्यू लेनी है फॉर अ स्पेसिंग. सो कम क्या हो गया, 300 mm. तो हम प्रोवाइड करेंगे 8 mm डाया टाइस एट द रेट 300 mm सेंटर टू सेंटर. तो ये हो गई हमारी पूरी डिज़ाइन कॉलम के लिए, एक स्क्वायर कॉलम के लिए. उसके बाद हमको फिगर ड्राफ्ट करनी है जिसके अंदर हमें लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन दिखाना है और प्लान दिखाना है. लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन के अंदर लेटरल टाइस आएगी और लॉन्जिट्यूडनल बार्स आएंगे. ये लॉन्जिट्यूडनल बार से उनको डिनोट करना है कि 8 नंबर्स ऑफ 25 डाया. ये डाया है फॉर द माइल स्टील, इसका सिंबल है माइल स्टील के लिए. और ये जो रेक्टेंगुलर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है, ये स्क्वायर कॉलम के अंदर हमें प्लान के अंदर दिखेंगे ये जो लॉन्जिट्यूडनल जो 8 नंबर्स प्रोवाइड किए हैं वो 4 पेरीफरी में और 4 सेंटर में हम प्रोवाइड करेंगे और उसको हम एक लेटरल टाइज से एंकर करेंगे. वो जो लेटरल टाइज है उसको अपन हम दिखा सकते हैं कि 8 डाया एट द रेट 300 सेंटर टू सेंटर, ये है लेटरल टाइज. ओके.